हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट नॉर्थ जोन 3 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर ने किया। प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 23 नवम्बर से 25 नवम्बर तक चलेगी। ज़्यादातर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट विभाग के अधिकारियों के हाथ में पेन होता है, लेकिन आज विभाग के खिलाड़ी रैकेट और शटल से अपना दम दिखाएंगे। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने कहा कि हर खिलाड़ी मैदान में जीत के लिए उतरता है और जीत की भावना हर खिलाड़ी में होना आवश्यक भी है। वहीं उन्होंने सभी खिलाड़ियों के लिए इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएँ दी। आज आप यहाँ एक बहुत ही अच्छी पहल है ये, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, परंतु अपने नॉर्थ जोन के ऑडिट एंड अकाउंट्स के सभी अधिकारी खेल के मैदान में उतरकर, वैसे वास्तव में जिनके हाथ में लिखनी होती है, पेन होता है, वो अभी बैडमिंटन का रैकेट लेकर उतरे हैं और शटल के साथ खेलने वाले हैं। तो ऐसे सभी लोग जो यहाँ मैदान में उतरे हैं वो बाकी सब लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हमारे यहाँ बहुत वर्षों से कहा गया है साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, तो खेल के मैदान में हम जीतने के लिए ही उतरते हैं और उतरने के बाद जितना ही चाहिए जीत हमारी ही होगी, इस विश्वास के साथ हम खेल के मैदान में जब उतरते हैं, यह जितना जरूरी है, आवश्यक है, उतना ही हम खेलने के लिए भी उतरते हैं, यह भी जरूरी है, आवश्यक है। जीत किसी न किसी को, एक को ही मिलने वाली है, परंतु इस माध्यम से एक कुछ सद्भाव को निर्माण करना हम सबका दायित्व बनता है। आज, कल और परसों, ऐसे 3 दिनों में आप इस भाव को निर्माण करने में खेल के द्वारा, प्रतियोगिता के द्वारा सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ज्यादा समय इन दोनों के बीच में रहने की मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और शिमला के इस बहुत ही ठंडे मौसम में कुछ हमारे लिए गर्म का वातावरण निर्माण करें, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। हर एक को जीतने के लिए खेलना है और खेलने के लिए भी खेलना है, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं। जय के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।